केरल में मानसून तय दिन से 3 दिन पहले दस्तक दे दी है। 75 साल में 41वीं बार मानसून समय से पहले आया है। पिछली बार मानसून जब समय से पहले आया था उनमें से 28 बार यानी 70% मौकों पर सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग ने केरल के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय होने की जानकारी दी। इंदौर सहित मालवा में मानसून की आमद 17 जून के बाद होगी। पिछले साल मानसून की बात की जाए तो 12 जून को ही घोषित हो गया था। प्री मानसून की शुरुआत मई के अंत में ही हो गई थी। इस बार मानसून की हलचल ही नहीं है, 5 जून तक तो मौसम साफ रहने वाला है। वहीं प्रदेश में प्री मानसून की बारिश नहीं होगी। अब तक जबलपुर, सागर, रीवा, ग्वालियर और चंबल में रिमझिम बारिश हो रही थी। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पश्चिम से हवाएं अभी नहीं आ रही हैं, ये अभी अफगानिस्तान में है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्री मानसून छत्तीसगढ़ समेत पूर्वोत्तर राज्यों की ओर रुख कर गया है, यहाँ से अच्छी बारिश कर रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका असर फिलहाल नहीं दिख रहा। प्रदेश में अगले 3 दिन कहीं भी बारिश नहीं होगी, इससे उमस परेशान कर सकती है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में बादल छट गए हैं। हवाओं की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होने के कारण सिर्फ मध्य प्रदेश को छोड़ अधिकांश राज्यों में बारिश हो रही है। वहीं जबलपुर, सागर और रीवा संभागों में अभी तक कहीं कहीं हल्की बारिश हो रही थी। अब जून के पहले सप्ताह में बारिश होने की संभावना है। फिलहाल सिस्टम नहीं बनने के कारण बारिश नहीं हो रही है। पाकिस्तान से आने वाली हवाएं अफगानिस्तान के ऊपर हैं। इसके पाकिस्तान से आगे बढ़ने के बाद ही प्रदेश में बादल छाने और बारिश की संभावना बनेगी। प्री मानसून की बारिश ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, सागर और रीवा संभागों में हुई है। इधर इंदौर, भोपाल, उज्जैन समेत पश्चिमी मध्य प्रदेश में प्री मानसून की बौछारें नहीं पड़ी। भोपाल और इंदौर में सिर्फ एक एक दिन ही हल्की बूंदाबांदी हुई।